वैज्ञानिक बहुत समय से बुढ़ापे के साथ आने वाली समस्याओं के निवारण के साथ साथ खुद बुढ़ापे के कारणों पर भी शोध कर रहे हैं। अलग अलग शोधकर्ता बुढ़ापे के अलग अलग कारणों की बात करते हैं। कुछ का मानना है कि हमारी सूक्ष्म कोशिकाएं समय के साथ इस्तेमाल के कारण पुरानी और जर्जर हो जाती है और हमारे शरीर के कार्यकलापों के निर्वहन नहीं कर पाती, और कुछ का मानना है कि किसी भी मशीन की तरह पूरा शरीर ही इस प्रक्रिया के साथ पुराना होकर हमारे जीवन का बोझ ही नहीं उठा पाता और केवल कुछ हद तक ही इसका इलाज संभव हो पाता है। और इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो मानते हैं कि हमारी कोशिकाएं सही चिकित्सा और मरम्मत के सहारे हजारों वर्षों तक भी जीवित रह सकती है, परंतु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान दुर्भाग्यवश अभी उतना विकसित नहीं हुआ है। यानी यदि हमारा चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित होता तो शायद हम कई सौ वर्ष तक युवा रह सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है साइंस शो। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि क्यों हम बूढ़े हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सन 1882 में जीव शास्त्र के वैज्ञानिक ऑगस्ट वाइसमैन के द्वारा सेल डैमेज थ्योरी के अनुसार शरीर टूट फूट या वेयर एंड टीयर का शिकार हो जाता है। जैसे किसी कार का इंजन या कपड़ा बनाने वाली मशीन इस्तेमाल के साथ पुरानी और बेकार हो जाती है, उसी तरह हमारा शरीर भी वर्षों के इस्तेमाल और सही रखरखाव के अभाव में जल्दी बूढ़ा हो जाता है। लेकिन यदि अच्छा रखरखाव मिल जाए तो बुढ़ापे को दूर ही रखा जा सकता है, पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ नई खोजों के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद डीएनए समय के साथ बदल जाते हैं और इसी बदलाव को भी बुढ़ापे का मुख्य कारण माना जाता है। इसी खोज को आधार बनाकर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलोरी का कम उपभोग बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, क्योंकि अधिक वसा या फैट के कारण माइटोकॉन्ड्रिया अधिक काम करती है और नतीजतन जल्दी बूढ़ी भी हो जाती है। पर ये सभी शोध अभी तक तो केवल वाद विवाद ही है, और सबसे सहज प्रक्रिया केवल सही भोजन, जीवनचर्या, सही कसरत और काम का संतुलन ही है। दरअसल आधुनिक जीवन शैली ही जल्दी बुढ़ापे का सबसे सीधा कारण हो सकती है। शारीरिक मेहनत और अनियमित भोजन इत्यादि बुढ़ापे को बढ़ावा देने के साथ शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और एक सोची समझी संतुलित जीवन शैली काफी हद तक बुढ़ापे और उससे जुड़ी अनेकों समस्याओं का एक सरल उपाय हो सकती है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और भी दुनिया भर के साइंस रिलेटेड खबरों, तथ्यों और कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए साइंस शो। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। नमस्कार।